हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और भाई अभी आज हमने क्या है, हमारी जो सन्नी गाड़ी ना, उसका भाई फास खत्म है। अभी तक फास नहीं हुआ क्योंकि उसका कुछ काम ऐसा था ना भाई, जो उसके पार्ट मिल नहीं रहे थे। तो अभी एक बार ही हम लेके गए थे अभी 2 दिन पहले, तो उसका भाई फास फेल कर दिया था। फेल में उसमें कमी क्या निकाली थी जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। एक तो नंबर प्लेट का बनाया, नंबर प्लेट भाई अभी पहले दूसरी गाड़ी सेम नंबर प्लेट में लेके गया था, उसका फास कर दिया था, लेकिन इस गाड़ी का नहीं किया। दूसरा भाई, पीछे शीशे पे ना हमारे वो लगी हुई थी काली वाली ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, उसका इशू बनाया। और स्टेयरिंग का एक था जो लीगल था, जो जेन्युइन था कि हाँ भाई इस पे हो सकता है, तो वही। तो अभी उसमें थोड़ा काम हमने कराया है, और कराने के बाद अभी भी स्टेयरिंग भाई हार्ड है, वो थोड़ा हार्ड है, तो हार्ड के चक्कर में उसे फेल कर दिया था। तो अभी फिर अपॉइंटमेंट लिया 4 बजे के, शाम के 4 बजे का अपॉइंटमेंट है अपने पास में। तो चलते भाई, आज देखते हैं अपनी गाड़ी फास्ट हो पाती कि नहीं हो पाती है, क्योंकि सन्नी भाई, सन्नी जब तक नहीं चलाता ना, अभी एक हफ्ते मतलब 15-20 दिन से मैं एक्सेंट रेगुलर चला रहा हूँ, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आ रहा भाई जितना सन्नी चलाने में मजा आता है। तो अपनी सन्नी भाई आजकल बहुत मिस कर रहा हूँ, तो आज अभी लेके चलते हैं अपनी सन्नी को भी साफ सूफ करके, चिमका के एकदम रपा चक करके अब लेके चल रहे हैं। आज देखते हैं इंशाल्लाह, क्या पता भाई पास हो जाए, बस देखते। नहीं तो वहां को जुगाड़ पानी करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 100-200 देके तभी भाई पास होगी। अगर ऐसे फेल कर दिया तो दोबारा करवाना पड़ेगा, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं, अभी देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। ये रही भाई अपनी सन्नी, और इसको चमका दिया है एकदम मस्त करके एकदम ही। तो इसका जो इन्होंने फेल किया था भाई, इसकी नंबर प्लेट है ना, ये नंबर प्लेट का इशू बनाया था, बोला एक तो ये नंबर प्लेट का आपका मसला है, अभी तो पूरा एकदम चमका दिया है इसको और साफ सूफ करके। और दूसरा इसका ये पीछे ना पन्नी लगी हुई थी इसके इस पे, तो बोले इसका सीन है। और तीसरा वो स्टेयरिंग का जो फड्डा था, वो स्टेयरिंग का था, बाकी लाइट हल्की सी टूटी थी, इसको हमने चिपका दिया था नई लाइट लगा के, मतलब तसलियस लगाई थी पुरानी लाइट सही सी। तो अभी फ़िलहाल अभी चलते हैं भाई, देखते हैं इंशाल्लाह आज क्या सीन निकलता है बस भाई। क्योंकि सबसे गाड़ी हर एक चीज़ करवाने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे भाई दिक्कत कहाँ होती, फास्ट करवाने में, यही सबसे ज़्यादा भाई खज्जल होना पड़ता है फास्ट करवाने में। तो बाकी भी चमका चमकू दिया है उस दिन, पूरा लाइट लुइट हिला के हर एक चीज़ देख रहा था मैंने, देख ले बेटा सारा कुछ मजबूत करके लेके आया हूँ। लेकिन फाइनल में उसने एंड में भाई ना वो एक स्टेयरिंग का ये कमी निकाल दिया, कि वो स्टेयरिंग तो हार्ड था वैसे ही। तो कोई नहीं, अभी हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कि 4 बजे की टाइमिंग अपॉइंटमेंट है, अभी चल के फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है, सीधा वही निकलते हैं अब यहाँ से। 28 नंबर से हमें चलना भाई फास्ट दौरी के लिए, बाकी तो गड्डी अपनी पूरी चमक गई, अभी चलते हैं फास्ट दौरी। यहाँ से 42 किलोमीटर है लोकेशन, अभी मैंने डाली थी। इस टाइम भाई जाम इतना है ना, इतना जाम है यार, शाम के टाइम तो दायरी रोड पे भाई निकलने वाला नहीं होता, ऑर्डर लेके मैं फंस जाता हूँ कभी कभी भाई, हालत खराब जाती है। और अभी एक कितने हमें किलोमीटर जाना है भाई, अभी मैं दिखाता हूँ, हमें जाना है भाई 20 किलोमीटर है, हाँ 20 किलोमीटर भाई, 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है हमें जहाँ पहुँचना है लोकेशन पे अपने। और बस क्या कह सकते हैं भाई, अभी देखते हैं, अपॉइंटमेंट तो ले रखा भैया 5 बजे तक का टाइम है, और अभी ऑलरेडी टाइम कितना 4:30 हो गया है, और अभी भी 1 घंटा लगेगा। अभी देखते हैं जाके क्या सीन बनता है वहाँ पे, अभी ये नहीं आइडिया कितने बजे तक भाई खुला होता है, लेकिन कोई नहीं देखते हैं। बाकी इधर जाने के लिए साला और कोई रास्ता भी नहीं, नहीं निकल, हर रास्ते पे तो जाम होगा इस टाइम पे। डायरी चलो ये है, कम से कम यहाँ पे चलता रहता है ट्रैफिक, और किसी निकल गए कहीं रोड पता लगा, आगे रोड बंद हुआ तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो अच्छा वाला भैया इसी पे चल रहे हैं, चलते हैं देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी फिलहाल 1 घंटा लोकेशन दिखाई रहा है, दायरी रोड पे ना इतना ट्रैफिक है ना, क्योंकि आधा घंटा मुझे लग गया, अभी सिर्फ 4 ही किलोमीटर आया हूँ, 4 से 5 किलोमीटर भाई, आधा घंटा लग गया अभी तक, इतना ही क्रॉस किया हूँ। अभी लोकेशन दिखा रहा है 5:30 बजे तक कहीं वहां पहुंचने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे जाम दिखा रहा है ना, ये तो वहीं तक जाम है जहां तक हमें जाना है, उसके आगे तक तो जाम लगा हुआ है। अच्छा GMC इतनी पुराने मॉडल की कुवैत का बंदा लेके घूम रहा है, क्या बात है, कुवैत नंबर प्लेट की गाड़ी, वाह भाई वाह, कुवैत नंबर प्लेट की गाड़ियां यहाँ बहुत चलती, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इस टाइम पे सारी नंबर प्लेट की गाड़ियां यहाँ पे रियाद पे दिख रही, दुबई। चलो भैया देखते हैं कब तक पहुंचते, बाकी रैप्टर जा रहा है अपने आगे, देखो रैप्टर क्या जबरदस्त लगता है भाई, फोर्ड F-150 रैप्टर, क्या शानदार गाड़ी भाई, बहुत लाजवाब गाड़ी ये भी। अभी भाई हम पहुंचे अपनी लोकेशन पे, और यहाँ से भाई 1-2 मिनट का रास्ता है यहाँ पे, जहाँ पे फास्ट करवाना है, देखो अंदर आके अभी यहाँ से लेते हैं राइट लेके, उसके बाद फिर चलते, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियों का भाई बहुत तगड़ा है। ओ चाचे, यार भैया चाचू यार, तू कहाँ फंसा गया,
देख रहे हो भाई, रॉन्ग साइड कैसे चल रहा है यहाँ पे सीजन। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, ट्राई मारते हैं भाई। उसके बाद ये सारे जो हाथ दे रहे हैं ना, ये सारे लोग भाई वही वाले हैं। आ जाओ भैया, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, ये काम करवाते हैं, लेकिन हमें पहले डायरेक्ट चलना है। ठीक है, डायरेक्ट चल के उसके बाद में पास पास उसके बाद में करवाएंगे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपनी लोकेशन पे, और यहाँ से लाइन जो लगी हुई गाड़ियों की ना, यहाँ पे हमें लाइन में लगना है। हमें लाइन में लगते हैं, हम सबसे आखिर वाली लाइन में लगते हैं, सबसे किनारी वाली में, इस लाइन में लगते हैं भाई। और फिर देखते हैं अंदर क्या सीन बनता है, क्या होता है। अभी तो स्टेयरिंग हमारी गाड़ी की साली टाइट इतनी है यार, फिर साली पता नहीं क्यों टाइट हो गई। कोई नहीं, चल के अंदर देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है मौसम। भैया ये देखो भाई, अपना पानी पूनी बेच रहा है जिसको भाई, खाना पीना है, खाना भी हम तो खा पी के भाई आए हैं। और देखें इंशाल्लाह आज पास हो जाए, फिर मजे आ जाएंगे यार। नहीं बाहर देखता हूँ फिर, अभी किसी को पकड़ूंगा। हाँ भाई, करवा दे कुछ काम धाम। तो भाई 1 घंटा हो गया अपने को लाइन में लगे हुए, और लाइन में लगने के बाद में अब जाके भाई अपना कहीं नंबर आया है। वो बाइक वाले जहाँ भाई खड़ा है ना, वहाँ पे अपनी गड्डी खड़ी है। अभी देखते हैं भाई क्या करता है सीन, बाकी कुछ ऐसा ही। भैया देख लो यहाँ का नज़ारा, ऐसे ही यहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे फास होता है। फास बोले तो अपने यहाँ इंडिया में फिटनेस कराई जाती है जो गाड़ियों की ना, अपने यहाँ इंडिया में इसी तरह की फिटनेस भी होती है, गाड़ियों की फिटनेस जो होती है, तो यहाँ पे फास बोलते हैं, अपने यहाँ फिटनेस बोलते हैं। तो यही चीज़ें हैं कुल मिला के। और अभी देखते हैं भाई कि क्या रहने वाला है, क्या रहेगा, बाकी तो सारा कुछ चेक। हाँ, 2 कमी 3 कमी निकाली थी, इस बार ही देखते हैं भाई क्या सीन होता है। गाड़ी तो अपनी खड़ी है वहाँ पे, बाकी अभी देखते हैं क्या बनता है भाई का। अभी भाई अपना फहस तो यार दोबारा से भाई फेल हो गया स्टीयरिंग टाइट होने के कारण। तो मैंने कहा चल भाई, अभी 7 बज रहे हैं, मैंने कहा भैया कोई काम ही उठा लेता हूँ। तो मैंने यार मैंने एक ऑर्डर उठाया, देखो भाई अभी पहला ही ऑर्डर है, कितना लंबा फेंक दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब, यहाँ जाना है हमें, ये तुमामा वाला रोड पकड़ के हमें निकलना है सीधा भाई साहब, सीधा बिल्कुल यहाँ पे एंड में आना है। कितने किलोमीटर भाई जान? 19 किलोमीटर, 26 मिनट का रास्ता है। तो चलते हैं भाई, और पहला ऑर्डर है, देखते हैं आज। कल तो यार काम इतना बढ़िया था भाई, मजा आ गया कल का काम करके। आज देखते हैं क्या बनता है।